27 की मौत, अस्पताल के बाहर बिखरी थी लाशें ही लाशें, दर्दनाक हादसे की भयावह तस्वीरें देख कांपे लोग। प्रयागराज से यात्रियों को लेकर नेपाल गई गोरखपुर की बस शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे पोखरा से काठमांडू जाते समय तनहुन के अबुखैरनी में मार्सियागढ़ी नदी में गिर गई। बस में 42 यात्री सवार थे। हादसे में गोरखपुर के बस चालक समेत महाराष्ट्र के 27 यात्रियों की मौत हो गई, 15 यात्री घायल हो गए। पुलिस एवं सेना के जवान राहत बचाव में जुट गए हैं। सूचना के बाद सीमावर्ती जिला महाराजगंज के नौतनवा के एसडीएम और सोनौली सीओ भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। घटना सोनौली सीमा से करीब 170 किलोमीटर दूर हुई। मरने वालों में महाराष्ट्र के लोगों के साथ ही बस चालक भी शामिल हैं। चालक की पहचान गोरखपुर के पिपराइच निवासी मुर्तजा के रूप में हुई। घटना के बाद सोनौली सीमा पर एम्बुलेंस खड़ी कर दी गई है। जैसे ही घायल सीमा पर आएंगे उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जाएगा। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र से करीब 110 लोग प्रयागराज आए थे। उन्होंने गोरखपुर के केशरवानी ट्रेवल्स की 2 बस और 1 ट्रेवलर ऑनलाइन बुक कराई थी। केशरवानी परिवहन के मालिक विष्णु केशरवानी ने बताया कि 16 अगस्त को बस गोरखपुर से प्रयागराज गई थी, 17 को महाराष्ट्र से आए पर्यटकों को बैठाकर चित्रकूट गई, फिर 19 को अयोध्या पहुंची, वहां से 20 अगस्त को सुबह बसें गोरखपुर आईं। पर्यटकों ने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद नेपाल के लुम्बिनी चले गए। 21 को लुम्बिनी से पोखरा के लिए निकले, 22 को पोखरा में थे, वहां से 23 की सुबह काठमांडू के लिए निकले थे। पुलिस के बाद सेना ने भी संभाला मोर्चा। नेपाल में बस के खाई में गिरने के बाद पहले पुलिस और बाद में सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला। इसके बाद राहत व बचाव कार्य शुरू हुआ। इस बीच गोताखोर भी बुला लिए गए। दोपहर तक सेना और पुलिस की रेस्क्यू टीम ने 14 शवों को बरामद किया और 16 लोगों को सुरक्षित निकालने में कामयाबी पाई। हालांकि शाम को मृतकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। सशस्त्र पुलिस के सह प्रवक्ता और डीएसपी शैलेंद्र थापा ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस पोखरा के मझेरी रिजॉर्ट में ठहरे भारतीयों को लेकर काठमांडू जा रही